नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सकते हैं आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। विधानसभा उपचुनाव 2021 के अंदर खेमाराम मेघवाल की नामांकन सभा आज है और भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी रहेगी। सालासर में कुछ देर के लिए सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का संदेश जारी हुआ है। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी उन्होंने और इस गौरवशाली दिवस पर लोक गाथाओं, लोक देवताओं की इस रंग बिरंगी धरती को समृद्ध एवं परिपूर्ण बनाने का संकल्प लें, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं आज पुलिस की होली है। जिला मुख्यालय स्थित सब कुछ पुलिस लाइन सहित जिले के सभी थानों में अब से कुछ देर बाद शुरू होगी होली। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी होली मनाते हुए नजर आएंगे। उदयपुर के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दो युवकों की मौत भी हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। मालेरा टोल के समधरा कट पर यह हादसा हुआ है और हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई जैसलमेर के लिए रवाना हुए हैं। जैसलमेर में लेंगे आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और आंधी तूफान प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा रहेगा। आज शाम जोधपुर के जाबा भगवान दास गौशाला पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि आज राजस्थान दिवस है, यानी कि आज राजस्थान की स्थापना हुई थी, यानी कि राजस्थान को आज राजस्थान का नाम दिया गया था। लेकिन इस उपलक्ष्य के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन इस राजस्थान दिवस को आखिर क्यों मनाया जाता है और इस राजस्थान दिवस पर आखिर क्या स्पेशल है कि इसका राजस्थान नाम रखा गया, मैं आप सभी को बताता हूँ। आज राजस्थान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नामांकन किया गया था, तो वहीं आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और वहीं 7 चरणों के अंदर इसके अंतर्गत एकीकरण करने के बाद में यह नाम राजस्थान दिया गया था। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोटा का एयरपोर्ट कल रात बेहद धड़कता हुआ नजर आया है। वहां पर अज्ञात कारणों के चलते भी आग लग गई और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू भी पाया गया है। लेकिन इससे प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया और एयरपोर्ट और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर तैनात, उन सभी के अंदर हड़कंप मच गया कि आखिर आग पर काबू पाया जाए तो पाया कैसे जाए, क्योंकि रात्रि का समय था और अग्निशमन वहां पर पहुंची और उसके तुरंत बाद में एक्शन लिया गया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजस्थान विधानसभा के 3 उपचुनाव में आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है। कांग्रेस और बीजेपी में दौड़ लगी हुई है कि कौन आखिर इन 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के फतह हासिल करेगा, जिसके अंतर्गत सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़, यह 3 जगह है जहाँ पर उपचुनाव किए जाने हैं। और इसी को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी ने तीनों क्षेत्रों के अंदर अपनी चुनावी सभाएं शुरू कर दी है। वहीं आप सभी को एक गंभीर बात बताता हूं कि टॉप के अंदर होली मनाने के लिए पुरुषों को गांव निकाला कर दिया जाता है। यह प्रथा काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और आप सभी को बता दूं कि टॉप के अंदर कुछ ही दूरी पर स्थित माता के मंदिर में सभी पुरुषों को भेज दिया जाता है और उसके बाद में सभी महिलाएं आपस में चौक में एकत्रित होकर के होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। लेकिन जो व्यक्ति गंभीर है, बीमारी से ग्रसित है या फिर वृद्ध है, उन्हीं व्यक्तियों को घर में रुकने की अनुज्ञा मिलती है, लेकिन उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना होता है, वह घर में ही रह सकते हैं।
वह जब घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बाहर निकल करके वहीं पुरुषों के साथ में गांव निकाला कर दिया जाता है। उसके बाद में जब उनकी होली पूरी हो जाती है शाम के समय में, तब वह सभी पुरुष वापस आते हैं और अपने घर की ओर दौड़ जाते हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News19। नमस्कार। वही राजधानी जयपुर के अंदर फागोत्सव का उत्सव मनाया गया है, जिसके अंतर्गत पूनम अंकुर छाबड़ा मौजूद रही। जयपुर की करणी माता मंदिर सेवा सोडाला, जयपुर मंदिर समिति महिला मंडल नवयुग मंडल द्वारा फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। मंदिर सेवा समिति मदन सिंह राठौड़, भरत सिंह शेखावत, गोपाल सोनी, पंडित प्रहलाद चंद दादीज, माँ करणी सत्संग मंडल द्वारा फागोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच करके पूजा अर्चना की। गायक कलाकार सत्यनारायण दाजीज करणी सत्संग मंडल द्वारा भजन आयोजन किया गया, जिसमें पूनम अंकुर छाबड़ा ने पंडित रमेश चंद्र दाजीज को उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया और सभी से नशा मुक्ति रहने और आम जन को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं दौसा जिले के लालसोट के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर के अंदर दरबार होली के रंगों से सजता हुआ नजर आया। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय लालसोट के ग्राम मंडावरी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में सरदरबार सस्ता हुआ नजर आया है। मंडावरी के लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में सप्तम विशाल फागोत्सव के दौरान महंत हुकुमचंद शर्मा ने भगवान का अद्भुत श्रृंगार कर मनमोहक झांकी बना करके लोगों को अंग्रेज कर दिया। वहीं भगवान के 56 भोग के थाल सजा करके एक दूसरे को आने पर मजबूर भी कर दिया। विधिवत वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवा करके गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस अवसर पर भजन गायक कलाकार महेंद्र अलबेला कोटा ने अपने भजनों की प्रस्तुति के में सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मंदिर प्रांगण में राधा और कृष्ण की जीवत झांकी मानो साक्षात लोगों को भगवान के दर्शन करा रही हो। इसी जीवत झांकी के समक्ष गायिका अनामिका शर्मा जयपुर ने भगवान की चरण वंदना करते हुए अपने भजनों के दौरान श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान अलौकिक श्रृंगार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा प्रमुख आकर्षक का केंद्र बने रहे और इसी अवसर पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मोहनलाल मिश्र, रामधन शर्मा, सुरेश तिवारी सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज बाली हुई विधायक जीआर खटाना ने मार्केट में निकल करके व्यापारियों और दुकानदारों से होली की रामा की। आज बांदीकुई विधायक जीआर घटाना ने बांदीकुई शहर में व्यापारियों से, दुकानदारों से व आम जन से होली की रामाशामा की है। सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी और इसी दौरान विधायक घटाना ने प्रत्येक दुकानदार से दुकानों पर जाकर के होली की रामाशामा की, जहां पर दर्जनों जगह पर खटाना का स्वागत किया गया और विधायक खटाना ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने के पास में महादेव मंदिर के पास रामा श्यामा करने की शुरुआत की, जो कि सिकंदरा रोड होते हुए PWD तिराहे होते हुए हाई स्कूल रोड होते हुए सोनी मार्केट, पुरानी मंडी, पुरानी अनाज मंडी, अस्पताल रोड, राज बाजार, आगरा फाटक होते हुए बसवा रोड तक रामा श्यामा की। साथ ही होली की शुभकामनाएं भी दी और इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, नगर अध्यक्ष अशोक काट, ब्लॉक ए के अध्यक्ष तेज सिंह सिरा, बी के अध्यक्ष जयसिंह बैरवा सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर हॉस्पिटल में स्टाफ की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है। सिकंदरा हॉस्पिटल के अंदर पर्ची काटने वाले व इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर अपनी जगह पर नहीं बैठे रहने के कारण दवाइयां लेने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्टाफ कर्मी अपनी मनमर्जी से मनमानी कर रहे हैं। कोई सुन नहीं रहा, पेशेंट लोगों की कोई भी नहीं सुन रहा और लोग इंजेक्शन लगवाने व पर्ची के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ के आदमी इसको सुनने को तैयार नहीं। वहीं दौसा जिले के सूरतपुरा में होली के पर्व पर रंगोली के माध्यम से एकता का संदेश दिया गया। दौसा जिले की लालसोट विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका मंडावरी के गांव सूरतपुरा में होली के पर्व पर रंगोली बना करके एकता का संदेश दिया गया। गांव सूरतपुरा में होली के पावन पर्व पर रंगोली के माध्यम से
रंगों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न रंगों के प्रयास और प्रयोग से केशवराय मंदिर प्रांगण में रंगोलियां सजाई गई। इस अवसर पर आपसी सौहार्द और प्रेम की भावना का उद्देश्य रख करके चित्रकार मुकेश जांगेड़, सहयोगी ओम प्रकाश, जीतू, मुकेश सीताराम सहित कई लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। धीरज शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के पावन पर्व पर रंगोली बना करके आम जनता को संदेश दिया जाता है कि रंगोली के रंग आपके वास्तविक जीवन में घुल जाएं और आनंद और हर्षोल्लास की कामना के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती है। वही आप सभी को बता दूं, दौसा जिले के अंदर अमन व शांति के साथ में होलिका का दहन किया गया। दौसा जिले के विधानसभा क्षेत्र के लालसोट में इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन का दूसरे दिनों रंगों से भरा धुलंडी का त्यौहार मनाया है। वहीं महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए दूज पूंछ कर लंबी उम्र की कामना भी की है। उपखंड के लालसोट बस स्टैंड राजौली रोड पर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा ने विधि विधान से होलिका का पूजन करवाकर बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाने वाली का दहन किया है। इस अवसर पर खादी बोर्ड पूर्व अध्यक्ष दिनेश मिश्रा की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने आने वाली फसल के नए अनाज की होलिका दहन में सिकाई कर अपने घर को लेकर के आए। तो वहीं उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में भी सरपंच घनश्याम खटीक की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण बस स्टैंड पहुंचे। विधि विधान और समय के अनुसार होलिका का पूजा करवा करके सरपंच घनश्याम खटीक ने होलिका को अग्नि दिखाई है और इस अवसर पर होलिका को अग्नि दिखाते हुए होलिका को दूध उकर जलने लगी और बुराई पर अच्छाई की जीत देखने को मिली है। होली के दूसरे दिन सोमवार को विधानसभा क्षेत्र लालसोट में लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगा करके धुलंडी का त्यौहार मनाया। तो वहीं महिलाओं ने भी सगी सहेलियों के साथ रंग लगा करके खुशी का इजहार किया है। आज मंगलवार को महिलाओं ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए दूज को पूज कर हिंदू संस्कृति के 3 दिवसीय त्यौहार को अलविदा किया। वहीं उषा कस्बे के अंदर होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ओशिया कस्बे में खाबड़ा खुर्द विष्णु नगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमार हुए सुथारों की ढाणी पर हर साल के भांति इस साल भी होली के पर्व पर होलिका दहन हुआ, जिसमें सभी ग्रामीणों ने होलिका की पूजा की और होली का डांडा 1 महीने पहले ही रोक दिया जाता है। उस पर ग्रामीणों को माता बहनों ने वरुड़ लिया व जल चढ़ाया है और इस पावन पर्व पर अध्यापक मूलाराम प्रजापत ननाराम कस्बे के गणमान्य लोगों ने श्रवण प्रजापत जताराम द्वारा होली की पूजा अर्चना की गई। साथ ही शुभ मुहूर्त पर होली का दहन हुआ और साथ में लोगों ने नए सुत को गला लगा करके होली की अग्नि में से अपने कर कपट से घर भी लेकर के गए और इस तरह होलिका का शुभ मुहूर्त के साथ दहन हुआ और होली के पर्व पर नेवी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। कटी कटाई फसल पर बिजली की चिंगारी पड़ती हुई नजर आई, जिससे बिजली की चिंगारी से फसल जल करके राख हो गई और यह पूरा मामला है उपखंड रामगढ़ पचवारे की ग्राम पंचायत जगनेर तुरकान के गांव सिसोदिया का। फसल में आग लगने के बाद में गांव में हड़कंप भी देखने को मिला। सिसोदिया निवासी लक्ष्मी नारायण शर्मा की फसल जल करके राख हो गई। तो वहीं ग्रामीण जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के प्रयास में और मौके पर पहुंची थाना रामगढ़ बचवारा पुलिस और सूचना मिलते ही गांव पंचायत जगनेर तुरकान सरपंच राकेश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण शर्मा भी मौके पर मौजूद। वहीं आप सभी को बता दूं कि गोल्ड मेडलिस्ट प्राची गुर्जर ने भारत का नाम रोशन किया है। यह भारत का नाम किस क्षेत्र में रोशन किया गया और आखिर इसे रोशन करने में किस किस का हाथ है, आइए नजर डालते हैं। किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सफलता और विफलता आती रहती है, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब उसे लगता है कि उसे खेल और नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा कठिन समय उनके जीवन में आया है और यह कहना है नेपाल में आयोजित हुए सैफ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैंडबॉल टीम की सदस्य प्राची गुर्जर का। प्राची गुर्जर ने कहा कि बीए एलएलबी व लेबर लॉ में डिप्लोमा करने के बाद में लगातार प्रयास के बाद भी खेल में भविष्य नजर नहीं आ रहा था। वर्ष 2014-15 में खेल छोड़कर के आरएएस की तैयारी करने लगी और दो बार प्री क्वालिफायर
भी कर लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसे में उनके पिता राजकुमार गुर्जर, जो खुद एक राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टिंग में कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, और उनकी बहनें रितु जो राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी, और मनीषा जो कि हैंडबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, उन्होंने समझाया कि आपकी मंजिल पास ही है, हिम्मत मत हार और खेल में जान लगा दो। फिर प्राची ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने के साथ में अल्माटी में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वह फिर नेपाल में आयोजित सैफ गेम्स में खेलने वाली भारतीय टीम में भी उसे चुना गया और टीम ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं उनका साथ फिजियोथेरेपिस्ट ने दिया, और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिनेश गुर्जर ने बताया कि खेल के दौरान कई बार वह चोटिल भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य के लिए अड़िग रही। तभी प्राची गुर्जर टर्न ऑफ पॉलिसी के तहत मिली, सब इंस्पेक्टर की जॉब की ट्रेनिंग कर रही है राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में, और बताया है कि आने वाले गेम के लिए पूरी तरह से वह तैयार भी हैं और DYSP बनने का सपना पूरा करके ही वह दम लेंगी। वहीं दौसा जिले के अंदर गौर रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाला ने होली पर रंगों का त्योहार मनाते हुए गौ माता को स्नेह दिया। होली के पावन पर्व पर गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना ने हिंदू समाज की धरोहर को गौ माता को प्यार और प्रेम दिया है। इस अवसर पर भूतेश्वर गौशाला पहुँच करके बेजुबा गौ माता को चारा भी खिलाया। फिर गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना ने गौ माता के साथ होली खेल करके बेजुबा के प्रति प्रेम का संदेश दिया है। गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना ने निर्माणाधीन गौशाला के लिए लोगों से सहयोग का आह्वान भी किया, और इस अवसर पर राकेश रमेश चंद्रप्रकाश शशि आशीष नरेश विश्व विश्वास सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली जिला मुख्यालय पर पाली जिले के वरिष्ठ पत्रकार पर होली की कवरेज करते हुए समय दो युवकों ने उन पर जानलेवा हमला किया। मामला है पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का, जहां होली का कवरेज करने गए मीडियाकर्मी मनीष राठौड़ पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, और जिससे हमले में मीडियाकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया है। उसे तत्काल प्रभाव से बांगड़ अस्पताल ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया, और सूचना से कोतवाली थाना अधिकारी गौतम जैन मौके पर पहुंचे और दो युवकों को हिरासत में लिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी भीड़ ने धक्का मुक्की की, तो वहीं घायल मीडियाकर्मी का उपचार बांगड़ अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं शहर में मीडियाकर्मियों पर हमले से पत्रकार संगठन में भारी आक्रोश भी है। बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे में अपहरण के बाद युवक की हत्या करने के मामले को लेकर आक्रोशित परिजन और समाज के लोग शव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से समझाइश का दौर जारी है, मांगे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात पर परिजन अड़े हुए हैं। सिवाना क्षेत्र के कुशीब गांव निवासी महेंद्र खान को घर से गाड़ी सहित जालोर ले जाकर के अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव रविवार को जोधपुर के कायलाना में आने वाली हाथी नहर में फेंक दिया गया। कुछ युवकों की निशानदेही पर आहोर थाना पुलिस जोधपुर पहुंची और सूरसागर थाना पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। सोमवार को युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। तो वहीं मामले को लेकर के सोमवार को मृतक का शव लेकर के परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठ गए, और परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन के आमने सामने अपनी कई मांगे रखी। वही मांगे पूरी नहीं होने तक शव उठाने की चेतावनी नहीं दी। पाली जिले के अंदर आज राजस्थान दिवस पर जिला मुख्यालय के ऊपर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक व शहीद स्मारक से बांगड़ म्यूजियम तक साइकिलिंग को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। शहीद स्मारक से शुरू हुई यह साइकिल रैली जिला मुख्यालय के सूरजपोल चौराहे होते हुए मुख्य बस्तियों से होकर के गुजरी, और राजस्थान दिवस पर आज बांगड़ म्यूजियम में हस्तशिल्प व जिले के विकास गाथा को प्रदर्शित करने वाली फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। और आज राजस्थान दिवस के सभी कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के नियमों के अनुरूप होंगे।
आज सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक तथा शहीद स्मारक से बांगड़ म्यूजियम तक साइकिल रैली का आयोजन हुआ था और इसी मौके पर जिला खेल अधिकारी नेहरू युवा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट क्लब सचिव, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीओ स्काउट व यातायात पुलिस प्रभारी भी मौजूद रहे हैं। आज राजस्थान दिवस पर शहर के प्रमुख चौराहों व कलेक्ट्रेट पर रोशनी कर सजावट भी की जा रही है और जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया। राजस्थान दिवस को लेकर यहाँ समूचे क्षेत्र में जोधपुर के अनेकानेक आयोजन हो रहे हैं, एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं और इस अवसर पर वर्धमान स्थान का वासी श्रावक संघ के पदाधिकारी नितेश कटारिया ने एक आयोजन में कहा कि राजस्थान शौर्य और साहस का दूसरा नाम है। यहाँ की धरती रणबांकुरों एवं वीरांगनाओं की धरती है। अपने भव्य महलों, किलों, स्मारकों, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रदेश के विश्व में एक अलग पहचान है। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि पहचान राजस्थान दिवस के मौके पर सभी प्रदेश को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने में भागीदारी निभाने का संकल्प लें और इस अवसर पर जैन समाज की एक बाला होने का आयोजन पूर्वाभास में करते हुए किया गया। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दौसा जिले के बेजवाड़ी गांव के आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ी है और सभी बीमारों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं बीती रात को रोटी व कद्दू की सब्जी खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फूड पॉइजनिंग के यह शिकार बताए जा रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि अंता के पचेल खुर्द में खेतों में आग लगने से लगभग 50 बीघा गेहूं जल करके खाक हो गया। अंता के पचेल खुर्द मॉल में आग दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पचेल खुर्द में खेतों में जी आग लगने से सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद ग्रामीण खेतों की तरफ दौड़ पड़े तथा ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर ही आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने इस पर प्रशासन द्वारा आग बुझाने के लिए दमकल भेजी गई और बाद में दमकल द्वारा काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना में 7-8 किसानों के गेहूं जलकर के राख हो गए। अब किसानों का कहना है कि हमारे फसल के साथ जो बीमा हुआ उससे हमारी भरपाई की जाए और वहीं ग्रामीण लोगों का साहस के सामने भाग आग को बुझाना पड़ा, क्योंकि छोटे या बड़े कच्चे बस्ते में सब दौड़ पड़े। पैदल पचेल कुर्द के साहस की सराहना भी की गई। वहीं दौसा जिले के अंदर पुरुषोत्तम जोशी बने हैं अपना घर मेगा समिति के अध्यक्ष। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर अपना घर सेवा समिति शाखा लालसोट के एबीपी महाविद्यालय में चुनाव अधिकारी डॉक्टर रघुनाथ सिंह पछहरा एवं हरी सिंह मीणा की देखरेख में चुनाव कराए गए। कार्यक्रम के दौरान लालसोट नगर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक प्राचार्य अंजना त्यागी ने राधा कृष्ण की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही नगर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा ने स्काउट टीम के साथ छात्र छात्राओं को जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत पानी बचाने और टावर हार्वेस्टिंग लगाने की शपथ भी दिलाई है। तो वहीं कार्यक्रम के अंतिम छोर में अपना घर सेवा समिति की महिलाओं द्वारा फागोत्सव का आयोजन कर कार्यक्रम में समा बांध दिया गया और इसी दौरान महिलाओं ने नाच गान कर फागोत्सव का आनंद लिया और इस अवसर पर महाविद्यालय संस्थापक विनीत उपाध्याय, सचिव श्याम बिहारी मंगल, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र जैन, संयुक्त सचिव महेंद्र सोखिया, प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी, महिला प्रमुख अनीता जैन, महिला से प्रमुख बिना चौधरी, सीता अग्रवाल सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं बारा जिले से खबर आई है जहां पर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो रहे हैं सैकड़ों लोग। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। स्वच्छता अभियान ढोल पीटने वाली राज्य सरकार के 12 नगर परिषद क्षेत्र में ही सैकड़ों लोग खुले में शौच को जाने को मजबूर है। यही नहीं, इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण तो यह है कि यह कोई गांव का किस्सा नहीं अपितु नगर परिषद क्षेत्र में करीब एक दशक पूर्व शामिल हुए 11 गाँव में शामिल गोपालपुरा छापर के हालत है।
नगर परिषद के वार्ड नंबर 58 में आने वाले गोपालपुरा छापर पर गांव में 150 से अधिक घर परिवार निवास करते हैं, जहां पर करीब 60 से 65 घर कालबेलिया व भोपा समाज के हैं, तो बाकी मेघवाल व बैरवा समाज के हैं। विकास के दावे करने वाली सरकार व नगर परिषद की बोल बोलती यहां के निवासियों की व्यथा स्वयं बयां करती है। गांव के शोजीनाथ कालबेलिया कन्हैयालाल कालबेलिया शंकर कालबेलिया व ब्रजमोहन नायक ने बताया कि 150 घरों की इस बस्ती में सह परिवार झोपड़ियां या कच्चे मकानों में ही निवास करते हैं। न तो पीने के लिए पानी की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई, न ही शौचालय की कोई व्यवस्था की गई, जिसके चलते हुए परिवार के बच्चे बड़े बुजुर्गों को महिलाओं को भी खुले में शौच के लिए जाना मजबूर होना पड़ता है। तो वहीं स्नान के लिए भी बीमारियों और बोरियों के टाट की छोटी सी आड़ करके महिलाओं व बच्चों को स्नान करना पड़ता है। करीब 150 घरों के इस गरीब बस्ती के निवासी मजदूरी व छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालन करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का कोई भी लाभ गांव वालों की इस बस्ती को नहीं मिल रहा। ना तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई आवास बन पाया, न ही शौचालय के नाम पर कोई एक शौचालय बन पाया। यहाँ पर कोई शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। गोपालपुरा गांव की इस बस्ती में न तो रोड है, न ही लाइट है, और बरसात के समय इस बस्ती के लोगों का नारकीय जीवन हो जाता है। वहीं पेयजल के लिए दूर तक दौड़ लगानी पड़ती है या एक निजी नलकूप से कनेक्शन लेना पड़ता है, जो कि सालाना 5 से 6 हज़ार रुपये सालाना वसूला जाता है। वहीं वार्ड के पार्षद कमलेश भाई मेहता के पति चंद्रमोहन मेहता ने बताया कि उन्हें पार्षद बने हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। यहाँ जो समस्या हुई है, पूर्व पार्षदों ने गंभीरता से इन समस्याओं के लिए प्रयास ही नहीं किए। पार्षद ने कहा कि गाँव की पेयजल समस्या के लिए अमृत योजना में पेयजल टंकी तो बन चुकी है, लेकिन आगे का काम अभी नहीं हो पा रहा। वहीं छापर बस्ती वालों की समस्या के लिए वह हर संभव प्रयास करके राहत दिलाने का जतन भी करेंगे। अपन आज पहुंचे हैं आज वार्ड नंबर 58 के, अपन कोई जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं इनके, लेकिन आधार कार्ड भी बनी हुई है, इनके राशन कार्ड भी बनी हुई है, इनको गेहूँ भी मिलते हैं, लेकिन इनकी समस्या नगर परिषद द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। इनके अभी तक ना तो लेटरिन है, ना घरों में बाथरूम है, और क्या नाम से अपन देख रहे ना गैस सिलेंडर है इनके। इनकी मूलभूत समस्याओं से ये लोग हैं वार्ड नंबर 58 के बिल्कुल वंचित है। आपके क्या कमी है और क्या समस्या रही आप? ये समस्या है साहब, 30 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, 30 साल में ना कोई लेटरिन है, ना कोई बाथरूम है, ना कोई रास्ता है, ना कोई लाइट है। कभी आपने नगर परिषद में कभी अवगत कराया आपने? मेरे को 25 साल से हो गए साहब, करते करते नगर परिषद चले गए, अब तो आखिरी बार में ये मेंबर से हमने सिखलाई दी और फिर ये आपके लिए सूचना दी हमने। तो कभी जैसे मान लो कि आप कभी गए, कभी आपके पास देखने आए कि आपकी क्या समस्या है क्या नहीं है, एक ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नगर परिषद से कोई आया क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया साहब। तो आपके आधार कार्ड बन रहे क्या? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और भमासा बना हुआ है, फिर भी कोई सूचना नहीं है। राशन कार्ड में आपके नाम है क्या? उसमें पूरे गेहूं मिलते हैं बच्चों के? बच्चों को गेहूं मिलते हैं सर, स्कूल में तो मिलते हैं 2 किलो, और पहले वहाँ 40 किलो गेहूं मिलते थे, अभी लॉकडाउन से 40 किलो मिलने लग गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा सोजीनाथ है साहब। अपन और दूसरे कोई महिला से बात करते हैं। आओ ना इधर आओ, अपन महिला से बात करते हैं। महिला महिला क्या कहना चाहती है इस मामले में अपन देखते हैं आज। तो आपके क्या क्या कमी है और क्या कारण है आपका, मतलब किस लिए आपने आज इस मुद्दा उठाया है? काई भी कोई नहीं, माँ के जैसे की माँ तो कभी प्रधानमंत्री रोजगार योजना से आपको जो निर्माण होते हैं मकानों के कभी हुए एक नहीं हुए? नहीं भी, अभी तो अधूरे ही पड़े, नहीं मकान कहाँ बनी जो पूरा मकान, लेटरिंग वगैरह ये भी नहीं बनी जे। क्या नाम है आपका? मीरा भाई। चलो देखते हैं अपन इनकी बातों को आगे पहुँचाते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं साहब 30 साल से करीब रह रहा हूँ। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या यही है, नहीं तो रोड है साहब, नहीं पानी पीने का, नहीं शमशान घाट की जगह है, नहीं मकान टापरियाँ, लेटरिन बाथरूम ये भी नहीं है। कभी आपने कलेक्टर में जाके या नगर परिषद में जाके कभी ज्ञापन वापन दिया क्या? नगर परिषद में कम से कम नहीं तो 25 साल से 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो हर साल 5 साल में तो ये वोट गिर ही जाते, तो हर मेंबर के लिए इतला करी मेरी, कोई सूचना नहीं हुई साहब। कलेक्टर साहब को ज्ञापन? कलेक्टर साहब को मैंने 5 साल पहले एक विज्ञापन दिया था, उन्हें ये प्लांट वालों ने थोड़ा तोड़ने की तोड़ फांक दी, तो वो ये कह रहा था भाई इन मकानों का हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा। तो ये टापरियाँ जबकि यहाँ की यहीं रखी हुई है साहब। अच्छा,
तो हाँ। अभी तक जो क्या नाम से मकान वकान कुछ भी नहीं है, आवासीय योजना कुछ भी नहीं है साहब? ये मकान की योजना नहीं आई, लेटरिन बाथरूम ये भी नहीं आया अभी तक हाल फिलहाल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा सोजीनाथ सफेरा है साहब। तो कालवेलिया समाज? हाँ, कालवेलिया समाज में है साहब। समस्या उठा रहे हैं आज, आज इन्होंने पत्रकार बुलाया, पत्रकार को जो समस्या बताइए, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? मेरा तो एक निवेदन है राजस्थान सरकार और नगर परिषद से, इनको न तो रोड लाइट और न राशन कार्ड पे गांव नहीं मिल रहे ना। हाँ, गांव मिल रहा है, गांव तो, पर मकान नहीं हमारा, मकान नहीं रहने को, और न लेटरिन न बाथरूम, और इनकी जो टाप रही हूँ देखो आप नीचे रोटी बनाते हैं, और न मकान आ तक इनको मकान मिला, और जो समाधि लेते हैं वो घर में ही लगाते हैं क्योंकि इनके लिए जगह नहीं है। मतलब शमशान घाट की भी जगह नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है अपने, ये समाधि है यहाँ पे, ये समाधि है, और ये समाधि खुल रही है, घर में ही खाट के नीचे ही समाधि देते हैं ये लोग, तो इनको इनको जो जगह पास में कोई जगह इनके पास तो वो जगह दी जाए इनको। इनको बताते हैं बता, इनका आधार कार्ड भी बन रहा नहीं? सब बन रहे ना, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, 30 साल हो गए इन लोगों ने, 30 साल में एक इंच भी काम नहीं हुआ इनको तो कुल मिलाकर। आपने कभी नगर परिषद में? हाँ, मैं देके आया हूँ ना, लेटर पेड में। हाँ बिल्कुल, देके आया हूँ उनसे, और फिर भी मैं कह के आया हूँ, मैंने कहा साहब छह हमारे बस्ती में मत करो, लेकिन कालवेलिया और बाबा जी ऐसी बस्ती है उनको तो पूरी सुविधा दी जाए। आपका परिचय? चंद्रमोहन बाबा, वार्ड नंबर 58। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, 11 केवी की लाइन टूटने से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। तो वहीं ये मामला है उपखंड लालसोट के ग्राम मंडावरी का। काश्तकार गिरिराज मीणा ने बताया कि 1 बीघा से अधिक फसल जल करके खाक हो गई है, तो साथ ही ग्रामीणों की मदद से पानी के टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पा लिया गया।